जहां कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए क्वारंटीन की पालना करने की बात कही जा रही है और इस खाली वक्त को किस तरह उपयोगी बनाया जाए, इसके लिए कोटपुतली के क्वारंटीन सेंटर में रखे गए प्रवासी श्रमिकों ने न केवल क्वारंटीन सेंटर बल्कि आसपास के इलाके की साफ सफाई और रंग रोगन कर क्षेत्र की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। कोरोना वायरस की इस महामारी संकट में कुछ खुददार मजदूर ऐसे भी हैं जिन्हें खाली बैठकर मुफ्त का खाना नागवार गुजरा। दरअसल पनियाला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में मध्य प्रदेश के 21 परिवारों के 74 मजदूरों को कोरोना के चलते रुकवाया गया था। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन के सहयोग से मजदूरों के रहने व खाने पीने की उत्कृष्ट व्यवस्था भी की थी। इसी से प्रभावित मजदूरों ने भी अपना मोल चुकाने की सोची एवं सकारात्मक पहल करते हुए श्रमिक की मेहनतकश प्रवृत्ति का उत्कृष्ट उदाहरण देश व समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया। विद्यालय में रह रहे मजदूरों ने सरपंच रविंद्र मीणा, भामाशाह महेश मीणा व अन्य भामाशाहों से रंगाई पुताई का सामान मंगवाकर विद्यालय को रंग करना, मरम्मत करना व साफ सफाई करना शुरू कर दिया। महेश जी मीणा से संपर्क कर और उनको मजदूरों को रंग रोगन उपलब्ध करा दिया, जिससे कि वो विद्यालय में अब रंग रोगन कर रहे हैं और अच्छा कार्य चल रहा है और वो काफ़ी खुश हैं। हम भी मजदूरों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दे रहे, सभी ग्रामीण उनका सहयोग कर रहे हैं, रहने में खाने में पीने में सभी वस्तुएँ जरूरी वस्तुएँ उपलब्ध करा रहे हैं। मजदूरों ने कहा कि ग्रामीणों ने उनके लिए अच्छी व्यवस्था की है, बैठे बैठे खाना उन्हें नागवार गुजरा। वे मेहनत कश लोग हैं और इसी तरह अगर बैठे रहते तो बीमार हो जाते। ये हमने सोचा दो चार दिन हो गए रहते रहते, हमने सोचा कि स्कूल की थोड़ी कंडीशन ख़राब है, इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना कि सरपंच साहब को बोल के हम कलर वलर मंगा के हम खुद ही इनकी पेंटिंग कर दे दो चार दिन के लिए, सब इकट्ठे मिल के सब ने साथ में मिल के पेंटिंग करी हमने। मजदूरों के परिश्रम से विद्यालय की सूरत बदलना शुरू हो गई है। कुछ ग्रामीणों ने श्रमिकों को इसके बदले मजदूरी देनी चाहिए तो उन्होंने इससे भी साफ इनकार कर दिया। प्रधानाचार्य किशोरीलाल वर्मा व अन्य ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से विद्यालय भवन को रंग नहीं किया गया था, लेकिन अब स्कूल में निखार आने लगा है। मेरे सामने इन मजदूरों ने सफाई की और रंग रोगन करने की इच्छा प्रकट की। मैंने सरपंच साहब से निवेदन किया, सरपंच साहब ने बामासा से मिलकर रंग पेंट की व्यवस्था करवा दी और मजदूरों ने सहर्ष स्वीकार किया और स्कूल की जो स्थिति थी उसको बदल दी और बिल्कुल इसको चमका दिया, कमरों के अंदर भी रंग रोगन कर दिया।